हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू एंड दिस इज डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सेट 55 जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इनको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में। सो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, मेरा GS कोर्स को परचेज कर सकते हैं। GS कोर्स को परचेज करने के लिए जो डिस्काउंट है वो सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ही वैलिड रहेगा। तो आज आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। जो इसका कोर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ऐप डाउनलोड हो जाएगी। VIP 500 को एज ए कोड यूज़ कीजिए। VIP 500 जब कोड यूज़ करोगे तो आपको जो है जो डिस्काउंट मिल जाएगा और ये प्राइस जो है 2000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर 2 साल की वैलिडिटी है, ठीक है। दो साल तक आप कोर्स देख सकते हैं। डाउनलोड ऑप्शन इज़ देयर, PDF इज़ देयर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं और 250+ लेक्चर हैं और भी बहुत सारे लेक्चर इसके अंदर ऐड होंगे। बट अदरवाइज सिलेबस हमारा कंप्लीट है, बट कुछ ना कुछ मैं इसके अंदर ऐड करने की सोचता हूँ और ऐड करता जाऊँगा आगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन वगैरह के ऊपर आप बात कर रहे थे, क्वेश्चन के ऊपर भी काम चल रहा है, तो धीरे धीरे जो है वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाएंगी, ठीक है। सो बाकी आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर इसकी PDF शेयर कर दी जाती है। इंस्टाग्राम के ऊपर जो है डेली मैं जितने भी स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ होते हैं, जब कोई एग्ज़ाम होता है वो क्लियर कर देता हूँ और मतलब वो पोस्ट वगैरह डालता हूँ ताकि सब लोगों को जो थोड़ा सा बूस्ट मिले। और कुछ क्वेश्चन भी मैं डालता हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है मैंने 4-5 दिन से क्वेश्चन नहीं डाले, बट आज से मैं उस क्वेश्चन वहाँ पर क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। और बाकी आप फेसबुक वगैरह के ऊपर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। डाउट हो तो आप मुझे मेरी GMAIL ID के ऊपर अपना डाउट सेंड कर सकते हो। तो लगाइए जी आज पहला क्वेश्चन। तो देखो जी आज पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन के ऊपर। तो ये फटाफट आपका क्विज है, इसको आंसर लगाओ जी फटाफट क्या है। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे क्या था, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे क्या है, इंडिया का रैंक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर क्या है, और विजय बैंक जो है आपका उसका हेरिटेज म्यूजियम जो है वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो बताइए जी इसके आंसर बताइए फटाफट। तो पहला आंसर देखते हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे जो है, यानी कि पूरे के पूरे सोसाइटी को, पूरे के पूरे इंडिया को जो है हमने यूनिवर्सल हेल्थ देनी है, यानी कि सब जगह तक हमने हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, तो इसका जो डे है वो क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है December 12। December 12 इज़ द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ठीक है। और इसका जो थीम है उसका थीम जो है कीप द प्रॉमिस, कीप द प्रॉमिस, ठीक है। सो दिस इज द थीम। सो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2019, यानी कि एनर्जी को कंजर्व रखने की बात कर रहा है कि एनर्जी को बचा के रखना है, तो इसका जो डे है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो इसका जो डे है वो है December 14। सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, December 14 इज द राइट आंसर। थर्ड देखते हैं, रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, यानी कि पूरे टेररिज्म जो चल रहा है उसका इंडिया का जो रैंक है वो क्या है, इंडिया का रैंक है 7th इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। नेक्स्ट देखते हैं, विजय बैंक हेरिटेज म्यूजियम जो है वो कहाँ पे रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, वो इनॉग्रेट किया गया है द स्पेस सिटी बेंगलुरु, जो इसरो के भी हेडक्वार्टर हैं बेंगलुरु, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इस क्वेश्चन के जी आपको मैंने क्विज के सारे आंसर बता दिए हैं। सो अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ जो हमारे डेली क्वेश्चंस हैं। तो लगाइए जी आज हमारा पहला क्वेश्चन। ये सारे आपको पता लग गए जी आंसर, ये क्विज था जस्ट ताकि आप कितने अपडेटेड हैं, कि कितने आपको जो चीज़ें हैं पता लगती हैं या क्या आपके दिमाग में चलता है, सारी उन चीज़ों के लिए था। तो देखिए जी पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आज। इंडियाज फर्स्ट मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम जो इनॉग्रेट किया गया है, ये कौन से प्लेस पे इनॉग्रेट किया गया है, इनमें से, इन ऑप्शन में से बताइए कौन सी जगह के ऊपर इनॉग्रेट किया गया है। ये इनॉग्रेट किया गया है जो हमारी गुजरात के अंदर सिटी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, और वो सिटी है लोथल। लोथल के अंदर जो है ये चीज़ डिस्कवर करी गई है, मतलब ये मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा लोथल, डैट मीन्स ए इज़ द राइट आंसर। अब लोथल जो है ये गुजरात के पास है और रिवर बोगवा के किनारे है। SR राव जी ने इसको डिस्कवर किया था।
आर्टिफिशियल डॉकयार्ड है यहाँ पे, जहाँ पे शिप रेस्ट करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, ये सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के हिस्से बता रहा हूँ मैं आपको, और ये पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी है, ये सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आंसर इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, ए ऑप्शन दैट इज लोथल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से भारतीय पोषण एंथम के लिए सिंगर जो है वो कौन सा चुना गया था। देखिए पोषण वर्ड से पता लग गया होगा आपको कि पोषण मतलब खाने पीने की बात आ रही है। पोषण वर्ड का जो मतलब है वो क्या है कि हमने मेल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया करना है, मेल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया, जाने के बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन मिले तो मेल न्यूट्रिशन की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएं। और ये जो इनका एम है वो है 2022 तक सब जगह के ऊपर जो है सारी चीज़ें जो हैं हमने ट्रांसफॉर्म कर देना इंडिया को, और इंडिया को मेल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बनाना है 2022 तक ये बनाना है। और इसके अंदर जो वाइस प्रेजिडेंट कौन है, मतलब इन्होंने इनाग्रेट किया था, वेंकैया नायडू जी ने इसको इनाग्रेट किया था इस अभियान को। और ये जो अभियान है, ये एंथम जो है, ये एंथम कॉन्सेप्चुलाइज किसने किया था, ये किसने किया होगा, ऑब्वियसली बात है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसको जो है कॉन्सेप्चुलाइज किया था। अब मिनिस्टर ऑफ जो है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कौन है, हमारे स्मृति ईरानी जी। तो स्मृति ईरानी जी ने जो है इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया था, उस मिनिस्ट्री ने कॉन्सेप्चुलाइज किया था। और ये जो है इसके अगर पूछा जाए आपसे लिरिक्स किसने लिखे थे, तो लिरिक्स जो लिखने वाला पर्सन है वो है प्रसून जोशी, प्रसून जोशी। और अगर उन्होंने पूछा कि गाया, अब जो इसमें क्वेश्चन में है कि सिंगर कौन था, तो सिंगर कौन है जी, शंकर महादेवन। तो सी क्या आंसर बनेगा, राइट आंसर बनेगा शंकर महादेवन ने ये जो है आपका ये जो गाना है ये इसका एंथम जो है गाया था, ठीक है। और अगेन आपको पोषण का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, पोषण की फुल फॉर्म बताइए जी क्या होती है। तो पोषण की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें आएंगी। पोषण का मतलब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर्स, पोषण देखिए प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक, कि पोषण बनता ना पोषण, होलिस्टिक न्यूट्रिशन, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है पोषण की, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, दूसरे क्वेश्चन का सी बनेगा जी आपका, शंकर महादेवन ने ये गाना गाया था। नेक्स्ट लगाइए, इनमें से जो करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, ये बुक्स के बारे में है जी और ऑथर्स के बारे में है। जैसे पहले है संध्या कारण, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था, लेकिन मैंने इसको जो क्वेश्चन है ना, मुझे तीन ऑप्शन तो पता नहीं लेकिन चौथी ऑप्शन से मैंने निकाल लिया था आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। सो संध्या कारण नदी रामचरिता, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा जो है जया सीमा कुमारा पाला चरिता, ये भी सही है जी, इनके द्वारा लिखी गई है ये, इट्स गौधा वाहव वकपाती, ये भी आंसर सही है। बिलहाना पृथ्वीराज चरिता, नहीं पृथ्वीराज रसो जो है, पृथ्वीराज चरिता जो है मैंने आपको बताया था किसने लिखी थी, चंद बरदाई ने, किसने लिखी थी, चंद बरदाई ने लिखी थी, क्लियर, चंद बरदाई ने लिखी थी। तो आंसर क्या, आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा कि ये इनकरेक्ट पेयर है। बट अदरवाइज अगर इन्होंने पूछा है कि पृथ्वीराज चरिता जो लिखी गई है वो तो ऑब्वियसली बात है आंसर क्या बन जाएगा, चंद बरदाई, जो इनका इनके कोर्ट में था चंद बरदाई, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो बिलहन है उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था विक्रम देव चरिता, विक्रम देव चरिता लिखी थी, किसने, बिलहन ने, बिलहन विक्रम देव चरिता, तो ये भी आपको आंसर याद रखना है। तो आंसर सीधा क्या आंसर बन जाएगा जी, इसका डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, विक्रम देव चरिता किसने लिखी थी, बिलहन ने लिखी थी, ये भी आपको याद रखना है। सो डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट, पीर पंजाल पीक फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल, ये सबको पता होगा, पीर पंजाल जो कहाँ पे देखने को मिलता है, ये मिलता है मनाली, डेट इज़ द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, मनाली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डैट मीन्स आंसर इज बी ऑप्शन,
यस बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा पीर पंजाल वाला पार्ट जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के पास देखने को आपको मिलता है। बिल्कुल आंसर सही है जी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हु हैज बीन नेम्ड द पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। देखिए जी आंसर बताइए इसका क्या है। पेटा मतलब पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा इज पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। सो पेटा जो है इसके जो हेडक्वार्टर हैं अगर मैं कहूं वो कहां पे हैं, वर्जीनिया। पेटा के हेडक्वार्टर कहां पे, वर्जीनिया। बिल्कुल आंसर सही दे रहे हैं, यूएस के अंदर है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखिए दो चीजों में कंफ्यूज करोगे आप, ठीक है। क्या इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है पेटा का, कि पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको गया है, तो वो गया है जैकिन फिनिक्स को। दैट मींस फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो बनेगा सी ऑप्शन। ये जैकिन फिनिक्स कौन है, ये जो मूवी आई थी जोकर उसमें जो जिन्होंने लीड रोल प्ले किया था वो है, ठीक है। लेकिन अगर इसने ये क्वेश्चन पूछा कि पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर पूछा, तो विराट कोहली आंसर आएगा, तो विराट कोहली आंसर आएगा। ये चीज ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन नहीं लेनी है आपने, ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं लेनी। तो अगर उसने पूछा कि पेटा पर्सन ऑफ द ईयर तो क्या बनेगा, ये बनेगा आंसर, दैट इज जोकिन फिनिक्स, ठीक है। लेकिन अगर पूछा पेटा इंडियाज तो आंसर क्या बनेगा, विराट कोहली। जो इंडिया में इनकी ब्रांच है तो उसमें आंसर क्या बनेगा, विराट कोहली। लेकिन अदरवाइज आंसर क्या बनेगा, ये जो है जैकिन फिनिक्स, ठीक है। तो आंसर इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बनेगा जी इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इंडिया का रैंक जो है बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2019 रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इनका जो रैंक है इंडिया का, इनमें से क्या है। देखिए बिजनेस टू कंज्यूमर की बात आ रही है, जब आपके कंज्यूमर की बात आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि आप कितनी चीज़ें जो है उसको जल्दी पहुंचा देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जैसे हम स्विगी या कुछ भी जोमेटो वगैरह ऑर्डर करते हैं, तो ये क्या होगा, बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब बिजनेस वाला पर्सन कंज्यूमर के पास कैसे पहुंच रहा है। आपकी जो कितनी आपकी ट्रेड है, मतलब कितना आप एफिशिएंट काम कर रहे हैं, कितना फास्ट काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज कैसे पहुंचा रहे हैं लोगों तक, ठीक है। तो ये जो ये बात करती है यूनाइटेड नेशन ये वाला दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब ई कॉमर्स जो आपका फ्लिपकार्ट वगैरह ये सारी ई कॉमर्स बिजनेस होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो रैंक है वो इंडिया का रैंक है 73rd रैंक है इंडिया का, 73rd इज द राइट आंसर। और अगर पूछा कि पहले रैंक के ऊपर कौन सा है, पहले रैंक के ऊपर कंट्री कौन सी है, दैट इज नीदरलैंड। फर्स्ट रैंक के ऊपर कौन सी है, नीदरलैंड। और हमारे इंडिया का जो रैंक है वो क्या है, 73rd है। अब नीदरलैंड के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है स्विट्जरलैंड का, और इंडिया का रैंक है 73rd, ध्यान रखिए, ठीक है। तो आंसर इज ए ऑप्शन, सिक्स्थ का ए ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सबको पता होगा, ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज इन कम्युनिकेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए ये जो फाइबर ऑप्टिक्स का जो होता है, जैसे बिलो वाटर मतलब पानी के नीचे आपने अगर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है फाइबर केबल से होती है, क्योंकि इसमें कनेक्शन टूटता बहुत कम होता है, ठीक है, आपका कनेक्शन बहुत जल्दी पहुंचता है। लेकिन इसके अंदर फिनोमिना क्या चलता है, अंदर क्या फिनोमिना चलता है, डेट इज TIR। ये तो आपको आंसर याद ही कर लो, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए TIR का फिनोमिना इसमें लगता है, रेनबो में लगता है, ठीक है, और जो परछाई पड़ती है आपकी मिराज उसके अंदर लगता है, ठीक है। डायमंड के अंदर भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगता है, लेकिन डायमंड के अंदर रिफ्रैक्शन भी लगता है, डायमंड के अंदर रिफ्रैक्शन भी लगता है, ठीक है। ये सारे रेनबो के अंदर भी रिफ्रैक्शन लगता है, क्लियर, मिराज के अंदर भी रिफ्रैक्शन लगता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पार्ट आएगा, डेट मीन्स द सेवंथ क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, डी, डी इज द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट, व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्ट्स इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ही इज सब्जेक्ट टू। जब हाई कोर्ट का जो जज होता है वो अपनी प्रशासनिक क्षमता में कार्य करता है, यानी कि प्रशासनिक चीज़ें करता है, तो वो किस चीज़ के लिए काम करता है।
देखिए ऑल दो हमें पता है कि जो जज होते हैं दे आर द सुप्रीम, दे आर द हाईएस्ट अथॉरिटी, जाने कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द, क्योंकि हमारा कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी वही है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में वो काम करता है तो वो किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि वेन द चीफ जस्टिस टेक अप सम एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, ठीक है, तो वो बिल्कुल जो काम कर सकता है वो काम कर सकता है आपका किस तरीके से, बताइए बताइए बताइए, बिल्कुल सही है, ये जो काम कर सकता है ये रिट ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन के लिए काम कर सकता है, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं नहीं, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं आएगा इसका आंसर। ये काम क्या, काम क्या करेगा, द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, क्लियर, ये इस तरीके से काम करेगा, जाने के वो हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर जो है रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है पार्ट कर सकता है। और रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होती हैं एज कंपेरेटिव टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में के अंदर जो है हम सिर्फ किस फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हैं, लेकिन हम हाई कोर्ट के अंदर जो है फंडामेंटल राइट और जो है लीगल राइट्स के लिए भी जा सकते हैं। और पांच तरीके की रिट्स होती हैं, पांच तरीके की रिट्स कौन सी हैं आपकी, हेबियस कॉर्पस है और मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, ठीक है, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, क्यो वरंटो है और सेरिशरी पावर देखने को आपको मिलती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा आपका, ये रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी ऑफ द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ढूंढा था, एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने ढूंढा था तो मतलब मेरे दिमाग में से निकल गया था, ये क्वेश्चन मैंने ढूंढा था तो उसमें ए आंसर गिवन था आपका, ठीक है। बिल्कुल सही ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग, पांच तरीके की रिट्स देखने को मिलती है। और रिट वर्ड कहां से लिया है हमने, हमने रिट वर्ड जो लिया है वो हमने रिट वर्ड जो लिया है वो कहां से लिया है, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन फंडामेंटल राइट अगर बात करी जाए तो फंडामेंटल राइट की अगर मैं बात करूं तो हमने यूएसए से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रिट ज्यूरिसडिक्शन जो होती है, ध्यान से सुनो, रिट ज्यूरिसडिक्शन जो होती है, रिट ज्यूरिसडिक्शन जो होती है वो होती है आपकी, डैट मीन्स रिट ज्यूरिसडिक्शन जो होती है वो आपकी होती है फंडामेंटल राइट के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर आप लीगल राइट्स, यानी कि आपके कानूनी हक जो आपके पास हैं, ठीक है, उसके लिए आप हाई कोर्ट ही जाओगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट थोड़ा चले जाओगे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर एज कंपेरेटिव टू कम होती है, एज कम्पेयर टू मतलब जो राइट्स के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि हम राइट्स के लिए पहले हम जाएंगे हाई कोर्ट ही, डेट इज सुप्रीम को, फंडामेंटल राइट के लिए सीधा जा सकते हो आप, लेकिन फंडामेंटल राइट और लीगल राइट्स के लिए, लीगल राइट्स वर्ड आ गया बीच में, लीगल राइट्स के लिए आपको जाना कहाँ पे पड़ेगा, पहले आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा डेट इज ए ऑप्शन, आर्टिकल 226, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लगाइए, विच स्टेट वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो ये जितने भी पर्सन होते हैं डिसेबिलिटीज के लिए उनको हमने रिहैब करवाना है, तो ये कौन सी स्टेट के अंदर जो अवार्ड आया है, ये मिनिस्ट्री कौन सी करवाएगी जी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है ये, आपको ध्यान रखना है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है डिसेबिलिटीज के लिए, ठीक है। और इसके जो मिनिस्टर हैं वो मिनिस्टर बताइए कौन है, बिल्कुल सही, थावर चंद गहलोत जो है इनके मिनिस्टर हैं। और इसमें जो टॉप किया है वो यूपी स्टेट ने टॉप किया है, जो यूपी स्टेट ने, उत्तर प्रदेश जो है सरकार ने ये इसको टॉप किया है, तो यूपी को जो है नेशनल एक्सलेंस अवार्ड मिला है। तो नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। अगर आप एसएससी छोड़ के स्टेट पीसीएस वगैरह की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिसेबिलिटीज के लिए जो मिनिस्ट्री होती है वो कौन सी होती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस वगैरह ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे, ठीक है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, सी ऑप्शन, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर इज सी। नेक्स्ट लगाइए, इंडिया नेवी डे ऑब्जर्व कब किया जाता है, इंडिया का जो नेवी डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, इंडिया का नेवी डे ऑब्जर्व किया जाता है हमारा 4 दिसंबर को, कब 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। सो 10th क्वेश्चन का आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है। चलो आप मुझे दो आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, हमारा जो है एयरफोर्स डे कब होता है
और हमारा आर्मी डे कब होता है, ये दोनों क्वेश्चन मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, एयरफोर्स डे और आर्मी डे कब होता है, ठीक है। नेक्स्ट लगाइए, इन द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द वेनके विच वॉज ही द अर्लीस्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड, जितने भी आर्कोलॉजिकल जो लोग हुए हैं, आर्कोलॉजिस्ट हुए हैं, वो हमेशा बताते हैं कि हाँ या तो गोट रही है, जाने की बकरी रही है, या फिर आपकी शीप बेड रही है, सबसे पहला डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, 11th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ए, जितने भी आर्कोलॉजिस्ट वगैरह हुए हैं, आर्कोलॉजी ने जितनी भी चीज़ें ढूंढी हैं, वो बताते हैं कि या तो आपका गोट होता है, बकरी होती है, या शिप भंड की बेड़, यही सबसे पहले जो जानवर रहे हैं जो डोमेस्टिकेट किए गए हैं। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट जितने भी हुए हैं उन्होंने हमेशा बोला है गोट के बारे में बात करी है, आर्कोलॉजिस्ट की बात चल रही है, वेनके की बात चल रही है, तो आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन, दैट इज गोट, ठीक है, गोट इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर मे बी इंक्रीज बाय एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ, किस चीज की जो है सिक्रीशन से जो है ये जो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। सो 12th क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अब एक्चुअली क्या होता है कि हमारा एक होता है एमरजेंसी हार्मोन, एमरजेंसी हार्मोन जो होता है दैट इज कॉल्ड, एमरजेंसी हार्मोन जो होता है दैट इज कॉल्ड, जिसे आप 3F कहते हैं, 3F हार्मोन कहते हैं, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है, जिसे आप एड्रिनालिन भी कहते हैं, ये हार्मोन होता है जो आपका 3F, जिसमें आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, फाइट फ्लाइट एंड फियर, फाइट फ्लाइट एंड फियर, ये हार्मोन को आप कहते हैं एमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। ये किडनी के ऊपर लगा होता है, एक ग्लैंड लगी होती है, एड्रिनल ग्लैंड वहां से निकलता है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड लगी होती है। लेकिन इसके अलावा भी एक हार्मोन होता है, वो होता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये निकालता है जी, जब आपका थायरोक्सिन हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रीशन होने लग जाए तो आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। और थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये किसके साथ डिपेंड करता है, आयोडीन कंजम्पशन के साथ जो है वो चीज़ें डील करती हैं, जितना आप आयोडीन वगैरह जो चीज़ें कंजम्पशन करते हैं वो आपकी थायरोक्सिन एक्टिविटी वहाँ से वैसे रहती है। और ये थायरोक्सिन जो है थायरॉयड ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, थायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है थायरोक्सिन, क्लियर। और अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो जब आप आयोडीन वगैरह कम खा रहे हैं तो गोइटर यानी कि घींगा रोग भी हो सकता है, और प्लस जितने भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं और सेक्सुअल पावर्स हैं वो भी आप जो है अगेन आपके कम हो सकती हैं इसके साथ लेके, ठीक है। और इससे क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, हार्ट फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और हाइपर थायरॉयडिज्म वर्ड यूज़ किया जाता है, हाइपर थायरॉयडिज्म। तो 12th क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डेट इज़ ए ऑप्शन, डेट इज़ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थायरोक्सिन। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं इनको इलेक्ट कब कैसे किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्ट करने का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग जो है हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट कर सकते हैं, आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और प्लस मैं आपको बता दूं कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनको दो लोग वोट करते हैं, डैट मीन्स ध्यान से समझना ये चीज़, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये करते हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये वर्ड याद रखिए, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन देने के लिए वो क्या कर सकता है, ऑल की वर्ड को दो जगह पे काट सकता है वो, यानी कि इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, यानी कि दोनों लोग हो गए क्योंकि इलेक्टेड या नॉमिनेटेड ही तो होते हैं दोनों, ठीक है, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड में आ गया ऑल मेंबर। पार्लियामेंट की जगह के ऊपर वो दो वर्ड लिख सकता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वाले लोग वोट करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा आंसर क्या बनेगा, डेट मीन्स 13th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, डी। सो डी ऑप्शन देखिए, उसमें ये सारा कुछ लिखा गया है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, अदरवाइज ये वो लाइन ऐसे भी लिख सकता है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि जब पार्लियामेंट के मेंबर ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो स्टेट पार्टिसिपेट नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही जी। तो स्टेट अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रही तो इसका मतलब विधानसभा और विधान परिषद बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो ध्यान रखिए, विधानसभा जाने के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्ट बिल्कुल भी इसमें नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रेजिडेंट के बारे में, प्रेजिडेंट के इलेक्शन के अंदर जो होते हैं नॉमिनेटेड लोग वोट नहीं करते,
ठीक है, प्लस वोट कौन नहीं कर सकता, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वोट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ये दोनों चीजें आपको कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, क्लियर, ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिए नॉमिनेटेड और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्ट नहीं कर सकती, तो आंसर इज डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। और ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, ये आपके राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट लगाइए, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, कौन सी कंट्री ने जो है एग्री किया है कि मैक्सिमा आइलैंड जो है 30 किलोमीटर दूर है साउथ वेस्टर्न कोस्ट, किस देश की, कि जो कह रहा है कि हम $146 मिलियन के अंदर उसको खरीदेंगे, मतलब कौन सी कंट्री ने बोला है कि हम जहां पे कोई नहीं रहता मैक्सिमा आइलैंड जो उसकी बाउंड्री से 30 किलोमीटर दूर है $146 मिलियन के अंदर वो खरीदने वाला है, तो इसमें कौन वो कंट्री है, कौन सी कंट्री है ये जो इसमें जो खरीदने वाली है ये, तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, डेट इज जापान, जापान इज द राइट आंसर, जापान। सो 14th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन जापान। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो, और करेंसी क्या है, येन, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, शिंजो एब, शिंजो एब, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और प्लस टोक्यो जो है सबसे वर्ल्ड की मतलब डेंसिटी वाली जो है सिटी जो ये है, उसके बाद जो है दिल्ली आता है, ठीक है, और प्लस ये हो गया जी आपका जापान। और वन मोर क्वेश्चन इज देयर, हाँ, एडीबी बैंक होता है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला, मनीला फिलीपींस, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो शेयर है वो किसका है, डेट इज ऑफ द जापान, ध्यान रखिए। तो आंसर इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, नेम द चेन्नई इंजीनियर हु फाउंड द लॉस्ट विक्रम लैंडर, जो विक्रम लैंडर जिसमें हमने सब देश ने वर्ड यूज किया था कि हाँ भरोसा नहीं खत्म हुआ, जज्बा खत्म नहीं हुआ, लेकिन अगर संपर्क टूटा है, ठीक है, तो इसमें ऐसे कौन से चेन्नई के इंजीनियर हैं जिन्होंने विक्रम जो लैंडर को ढूंढा था, जो खत्म मतलब हमारा जो आई मीन टू से गायब हो गया था, जो हमने चंद्रयान 2 के लिए भेजा था, ठीक है, तो ये कौन है, शनमुगा सुब्रमण्यम, शनमुगा सुब्रमण्यम। सो 15th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन, शनमुगा सुब्रमण्यम जी ने ये ढूंढा था, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फ्लोरोसिस इज कॉज ड्यू टू द फ्लोराइड, ऑब्वियसली पता है, विच इज फाउंड इन, अब देखिए फ्लोरोसिस दो तरीके की होती है, एक होता है डेंटल फ्लोरोसिस, डेंटल मतलब दांतों वाली, हाइपर मिनरलाइजेशन होने लग जाती है जिसमें दांत आपके पीले पड़ने लग जाते हैं और प्लस आपके दांत में प्रॉब्लम भी आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मिनरल कंटेंट आपने इसको प्रोवाइड कर दिया। और दूसरी बात यह है स्केल्टल, यानी कि बॉडी के ऊपर भी नुकसान हो सकता है जिसमें आपकी जो बोन्स की डेंसिटी है वो आपकी खराब हो सकती है, कम हो सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है दो तरीके की फ्लोरोसिस देखने को मिलती है, एक डेंटल और एक स्केल्टल, ध्यान रखिए। और ये किस में मिलेगा, पानी के साथ होगा, तो आंसर क्या बनेगा आपका, 16th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, रिवर वाटर, रिवर वाटर के अंदर फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा देखने को आपको मिलेगा, पानी के अंदर बिल्कुल कंटेंट देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, दैट इज रिवर वाटर, रिवर वाटर में ये चीजें देखने को आपको मिलेंगी, रिवर वाटर, रिवर वाटर में देखने को मिलेगा, नॉट अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, रिवर वाटर। आपने देखा होगा जैसे गांव वगैरह में बहुत जगह के ऊपर शहरों में भी जो है कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे फ्लोराइड बहुत है, लोगों के दांत पीले हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि जो मेरे शहर की तरफ है पंजाब में बठिंडा साइड की तरफ, ठीक है, तो वहाँ पे पानी के अंदर ये कंटेंट देखने को मिलता है, तभी वहाँ पे जो लोगों के दांत हैं हल्के येलोइश कलर के रहते हैं, वो ऐसा नहीं कि ब्रश नहीं करते हैं, वो येलोइश इसीलिए रहते हैं क्योंकि फ्लोरोसिस कंटेंट उसके अंदर देखने को मिलता है, पानी का कंटेंट देखने को ज्यादा मिलता है, ठीक है, सो रिवर वाटर इज द राइट आंसर। हाइपर मिनरलाइजेशन, ठीक है, और अगेन किसको खराब करेंगे, वो इनेमल को, इनेमल को, ठीक है, इनेमल को खराब करेंगे, यानी कि जो आउटर लेयर होती है किसकी, दांत की, और अगर ये खत्म हो गया तो सेंसिटिविटी होने लग जाती है। नेक्स्ट, माइक्रोलिथ आर द टिपिकल ऑफ, कौन सी एज में ये चीजें देखने को मिलते हैं ये एक पर्सन आया है, एक नए जो है पर्सन आए हैं हमारे बीच में, कृष्णा अग्रवाल, ठीक है जी, सो आप लीव कर सकते हैं क्लास को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सो बाकियों को जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दिया करो, और जिनको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकते तो जाइए, ठीक है।
माइक्रोलिथ आर द टिपिकल ऑफ, कहां के ये फीचर्स हैं, माइक्रोलिथ क्या है, टूल्स हैं, माइक्रोलिथ क्या है, टूल्स आते हैं, ठीक है। तो ये जो किस एज में देखने को मिले थे, M फॉर M, जो मैंने कोर्स में बताया था, M M वर्ड याद रखना, दैट इज मीजोलिथिक एज, दैट मीन्स 17th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बी, मीजोलिथिक एज में ये चीजें देखने को आपको मिली थी, मीजोलिथिक एज में, क्लियर। और अगेन जो है, अगेन मैंने आपको एक चीज बताया था, एक चीज मैंने आपको बताई थी, द वन मोर थिंग इज द, हाँ, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल जो डिस्कवर करी गई थी, और ये डिस्कवर करी गई थी चालकोलिथिक एज में, चालकोलिथिक एज में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल, तो आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन, दैट इज मीजोलिथिक एज, ठीक है, मीजोलिथिक एज में, बिल्कुल सही ऑप्शन, बी ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर WTO, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहां पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्रीकल्चर सब्सिडी है जो मिनिमल और नो डिस्टोर्शन देती है ट्रेड के ऊपर, दिस इज द सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप स्टेट PCS और UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हाँ ये SSC में भी आ सकता है, नो डाउट SSC में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, WTO के अंदर जो है कि कौन सी ऐसी सब्सिडी है जो ट्रेड डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं करती, ये क्या होता है कि WTO के अकॉर्डिंग जो है सरकार जो है किसी ना किसी सरकार मतलब WTO के नॉर्म्स के अंडर रह के जो गवर्नमेंट होती है ना किसी भी अपने लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, छूट देती है कि हाँ अगर वो चीज़ें मतलब जो उन्होंने दे रखी हैं WTO के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तीन टाइप की आपकी जो है सब्सिडीज दी हुई हैं उसने, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड द एम्बर बॉक्स, ठीक है, तीन तरीके की उन्होंने जो है सब्सिडीज दे रखी हैं। तो मैं आपको मैं बता दूं, इसके अंदर जो है रेड कलर का कुछ भी लेना देना नहीं है, रेड बॉक्स की कलर की कोई भी ऐसी चीज नहीं होती इसमें, आपको पहले मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता हूं, जैसे पहले लिखा हुआ है एम्बर बॉक्स, ठीक है, एम्बर बॉक्स जो लिखा गया है, एम्बर बॉक्स पता क्या होता है, जैसे हमारी दवाई वाली बॉटल होती है ना, जो दवाई वाली बॉटल होती है वो कैसी होती है, वो होती है एम्बर कलर की, क्लियर। सो एम्बर बॉक्स में लिखा गया है ये जो होता है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, ये होता है ट्रेड डिस्टॉर्ट करता है, ट्रेड डिस्टॉर्ट करता है, और ये डोमेस्टिक मेजर के अंदर डोमेस्टिकली काम किया जाता है, यानी कि अपने स्टेट लेवल के ऊपर, कंट्री लेवल के ऊपर बात करते हो तो ये जो एम्बर बॉक्स वाले होते हैं ना, ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये अपने लोगों को जो है मॉनेटरी टर्म यानी कि पैसे दे देते हैं। सपोज करो कि हमने, हमारी इंडिया ने फार्मर्स को पैसे प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, जैसे अगर पैसे प्रोवाइड कर दिए तो ऑब्वियसली बात है जो उनका एग्रीकल्चर वाला चीज़ होगी वो सस्ती आएगी, तो वो जो गवर्नमेंट है हमारी, अगर वो हमारी गवर्नमेंट है तो वो किसी भी दाम के ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड कर सकती है, इससे क्या होगा, हो सकता है कि वही क्रॉप जो है कोई और देश दे रहा हो किसी और देश को, तो इससे क्या हो सकता है, अगर सपोज करो दो देश हैं यानी कि इंडिया है और चाइना है, इंडिया ने पैसे दे दिए, सपोज करके चलते हैं इंडिया ने पैसे दे दिए लोगों को, सस्ती खरीद ली, और चाइना ने नॉर्मल कर रहा है, तो चाइना सपोज करो कि US को बेच रहा है, कोई भी क्रॉप बेच रहा है, तो चाइना US को दे रहा है 100 रुपए के ऊपर, लेकिन इंडिया क्या कर रही है, किसानों को पैसे दे दिए, कुछ भी कर दिया, और इंडिया US को दे रही है क्या, सपोज करो कि 90 रुपीज पे दे रही है, तो ऑब्वियसली बात है US किससे खरीदेगा, इंडिया से खरीदेगा, लेकिन फिर चाइना जो है इशू उठाएगा, किस कहां पे उठाएगा इशू, WTO के अंदर, कि हाँ कि इंडिया जो है वो एम्बर बॉक्स जो है सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, तो इससे क्या होगा, आपका ये जो डिस्टॉर्शन देखने को आपको मिलेगी, बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है, यानी एम्बर बॉक्स जो है ट्रेड डिस्टॉर्ट करते हैं। अब बात दूसरा ये होता है, एक होता है ब्लू बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ठीक है, सो ब्लू बॉक्स के अंदर क्या होता है, ये जो होती है ये प्रोग्राम के साथ जो है लीड करती है, यानी कि जो भी स्टेट ने, कंट्री ने जो भी प्रोग्राम चलाए होते हैं, डैट लिमिट प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के साथ जो है जो डील करता है, प्रोडक्शन के साथ जो डील करता है वो कौन सी बॉक्स करती है, ब्लू बॉक्स जो है वो करती है, ठीक है, ब्लू बॉक्स जो है उसके अंदर बात करती है, जहां पे आपकी प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया जाता है, यानी कि आपका कोटा डिसाइड कर दिया जाता है कि हाँ आप इससे ज्यादा जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इससे ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो ऑब्वियसली बात है WTO के अकॉर्डिंग जो है आपके देश के ऊपर जो है कोई भी जो है जो हम कहते हैं ना कि WTO के अंदर जो है हमारे सैंक्शन लग जाती हैं, हमें पैसा पे करने पड़ जाता है, तो ब्लू बॉक्स में जो है प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया
दिया कि हाँ जी आपने अगर 1000 टन ही उगाना है तो 1000 टन ही उगाओगे, अगर 1000 टन से आपने 1100 टन उगा दिया तो उससे जो है आप अगेन आपके देश के ऊपर जो है प्रॉब्लम आएगी, WTO जो है इसके ऊपर आपके जो है आई मीन टू से सेंक्शंस लगाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जी प्रोडक्शन के लिए ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स हो गया ट्रेड को जो डिस्टॉर्ट करता है, जो डिस्टॉर्ट नहीं करता कौन बन गया जी अब ग्रीन। सो ग्रीन क्या बन गया जी, ग्रीन जो है वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करता और जो है आपके ट्रेड को बढ़ा रहा है। तो आंसर इस क्वेश्चन का जो क्या बनेगा, आपका आंसर क्या बनेगा, डेट इज ग्रीन बॉक्स, डेट मीन्स डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, डेट मीन्स ये जो है एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट के अंदर बात करता है जो डिस्टॉर्ट नहीं करते किसी भी चीज को, ठीक है। तो आंसर इज डी ऑप्शन। अगेन आपको मैं बता दूं कि जब भी ग्रीन वर्ड आता ना तो इको वर्ड आएगा ही आएगा, इकोलॉजिकल आ जाए, इको वर्ड कहीं से भी आ जाए, ठीक है। तो इको वर्ड आएगा ही आएगा, जिसको हम जो आई मीन टू से इको मतलब ग्रीन कलर का वर्ड आएगा ही आएगा, ठीक है। नहीं रेड बॉक्स कुछ भी नहीं होता, एंड 18 का आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए, अगला क्वेश्चन देखियो, इंडिया विल बाय मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल फ्रॉम विच कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन। अभी हमने इंडिया ने रफाइल जो है ये हमने मंगवाए थे, कहां से मंगवाए थे, फ्रांस से मंगवाए थे, और ये मिटियोर ईयर एयर टू एयर मिसाइल भी हम कहां से मंगवाने वाले हैं, फ्रांस से ही मंगवाने वाले हैं। तो आंसर इज फ्रांस इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन क्या बनेगा 19 क्वेश्चन का, बी ऑप्शन, फ्रांस इज द राइट आंसर। और वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि एयर टू, हाँ मिटियोर वर्ड लिखा गया है, मिटियोर्स क्या होते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है ना, एस्ट्रॉयड बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के बीच में होती है, तो यहाँ से जो कुछ भी जो है नीचे गिर मतलब यहाँ पे जितने भी माइनर प्लैनेट्स कुछ भी टूटता है यहाँ पे, ठीक है, तो एस्ट्रॉयड्स वगैरह टूटते हैं तो वो अर्थ के ऊपर गिरते हैं, अगर वो अर्थ के ऊपर गिर जाएं तो अगेन प्रॉब्लमेटिक कॉज करते हैं, तो दैट आर कॉल्ड मिटियोर्स, यानी कि ये जो होते हैं शूटिंग स्टार होते हैं, शूटिंग स्टार, ठीक है। एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि हमारे इंडिया के अंदर मिटियोरिटिक लेक कौन सी है, मिटियोरिटिक लेक है डेट इज लोनार लेक, कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। अगेन एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, तो इसमें महाराष्ट्र में है, और इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने, किस में कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये महाराष्ट्र में है, इसमें लोकतक लेक से आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, लोकतक लेक, ठीक है। सो लोकतक लेक जो है कहाँ पे है, मणिपुर में, मणिपुर में, ये क्या है आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो आपका कहाँ पे है, मणिपुर में, और कैबुल लामजाओ इज द, कैबुल लामजाओ इज नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है लोकतक लेक के ऊपर, दोनों में कन्फ्यूज नहीं लेना आप, कन्फ्यूजन नहीं लेनी। तो आंसर इज डेट इज बी ऑप्शन, फ्रांस। नेक्स्ट, द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था, ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था, ठीक है। तो देखिए खेलो इंडिया जो आपका एडिशन है थर्ड वाला, ऑब्वियसली बात है ये कौन से मिनिस्टर होंगे हमारे, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द यूथ अफेयर के मिनिस्टर कौन है हमारे, डेट इज किरण रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू, क्लियर। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी यही है हमारे। तो इन्होंने इनोग्रेट कहाँ पे किया है, असम में, कहाँ पे, गुवाहाटी, असम की कैपिटल गुवाहाटी के अंदर जो है इन्होंने जो है यहाँ पे स्टार्ट करा है, क्लियर, और वेरी इंपॉर्टेंट। और असम के चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे थे, सर्बानंद सोनोवाल, ये भी साथ में थे, सर्बानंद सोनोवाल भी साथ में थे जब ये लॉन्च किया गया था, क्लियर। और यूथ के अंदर बात करता है अंडर 17 और अंडर 21 एज के जो लोग होते हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि आपको सबको बढ़ावा मिले, ताकि आप जो है अच्छा काम करें, यूथ रिप्रेजेंट करें इंडिया के लिए, और खेलों की तरफ जो है आगे बढ़े, स्पोर्ट्स के अंदर अपना करियर भी बनाए और देश का भी नाम ऊंचा करें, ठीक है। तो ये जो है ये बात करता है। ओके, एक चीज़ ध्यान रखिए, असम की कैपिटल गुवाहाटी नहीं है, असम की कैपिटल इज दिसपुर, आई थिंक दिसपुर, हाँ ठीक है, दिसपुर है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो असम की कैपिटल है डेट इज दिसपुर, गुवाहाटी इज द प्लेस मतलब जहाँ पे ये इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। तो ये बन गया जी आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, बाकी हम जो है नेक्स्ट शाम को 6 बजे वाली क्लास में मिलेंगे हाई लेवल जीएस क्वेश्चन में, और प्लीज आप मेरे जीएस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जीएस कोर्स को परचेज करने के लिए आज लास्ट डेट है, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, वीआईपी 500
100 एज ए कोड यूज करना है, 2000 रुपीज में आपको कोर्स मिल जाएगा। इसके अंदर जो है 250 प्लस लेक्चर्स दिखे हुए हैं, 2 साल के लिए वैलिडिटी है और प्लस पीडीएफ भी आपको उसके साथ ही मिलेंगी कोर्स के अंदर। और ये कोर्स जो है आपको ऐप के अंदर देखने को मिलेगा और ऐप का जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में गिवन होगा और डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, क्लिक करने के ऊपर ही सारा कुछ आपको पता लग जाएगा। बाकी आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी ये भी शेयर कर देता हूँ, इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ। प्लस जो जितने भी चीज़ें होती हैं सारे डेली लेक्चर्स, सारी पीडीएफ वगैरह यहाँ पे शेयर कर दी जाती हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, डॉक्टर विपन गोयल आप सर्च कीजिए, और फेसबुक और टेलीग्राम जो है आप जीमेल आईडी के ऊपर अपना जो है डाउट वगैरह सेंड कर सकते हैं, और वो डेली मैं इन्हीं क्लासेस के अंदर डिस्कस करता हूँ। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके डाउट्स होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, अगेन शाम को 6 बजे, थैंक यू।